14 तारीख का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 13 अक्टूबर को, ठीक है। और जो अक्टूबर माह है इसमें और भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी बात करें, पहले अक्टूबर मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 2 अक्टूबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को क्या है, विश्व शिक्षक दिवस। और 8 अक्टूबर को क्या है, भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को क्या है, विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। बात करें 11 अक्टूबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 13 अक्टूबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं, किस देश को अधिकतम वोटों के साथ UNHRC के लिए चुना गया है? किस देश को चुना गया है, ये भारत को चुना गया है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आई है UNHRC, इसके फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे जो भारत को चुना गया है, कितने वोटों से चुना है भारत को, 188 वोट से भारत जीता है। साथ में फिजी को मिले हैं 187 और बांग्लादेश को मिले हैं 178 वोट, ठीक है। आगे चलते हैं, किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है भारत ने ये समझौता, अजरबैजान के साथ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अजरबैजान देश की बात आई है, यहाँ की कैपिटल है बाकू, यहाँ की करेंसी है अजरबैजानी मनात, और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो है इयाम अलीयेव, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, NHRC की 24वीं वर्षगांठ का समारोह का उद्घाटन किसने किया? NHRC की 24वीं वर्षगांठ का समारोह है उसका उद्घाटन किसने किया, उसका उद्घाटन खुद PM नरेंद्र मोदी ने ही किया है, ठीक है। अब यहाँ पे NHRC टर्म आई है, NHRC की फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अन्नपूर्ण देवी किससे रिलेटेड है और कब कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है? अभी रिसेंटली अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया है, और संगीतकार थी और उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। और उनकी मृत्यु 91 ईयर्स में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो केंद्र खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है, ठीक है। वो किस में खोला गया है, महाराष्ट्र में खोला गया है, ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति जो है उसका केंद्र कहाँ खोला गया है, महाराष्ट्र में खोला गया है। आगे चलते हैं, भारत में कहाँ सबसे ज्यादा जीका वायरस की पुष्टि हुई है? भारत में जीका वायरस की पुष्टि हुई है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। इसने गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। जीका वायरस क्या है, इसमें जो सिर होता है अपनी बॉडी में उसका जो नॉर्मल साइज से उससे छोटा सिर हो जाता है, ये इसकी समस्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया पैरा खेलों में महिलाओं के शतरंज इवेंट में के जेनिथा एंटो ने कौन सा पदक जीता, कौन सा पदक जीता है, के जेनिथा एंटो ने स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसे पैरा ओलंपिक खेलों की बात तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, ये जकार्ता में, ठीक है। और जकार्ता में एक और चीज़ है, वो क्या है, आसियान का हेडक्वार्टर, ठीक है। और आसियान के फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान की फुल फॉर्म है, ठीक है। और अभी जकार्ता में और कोलंबर्ग में ऐसे वहीं पर हुए हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर, ICC महिलाओं की T20 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पर ICC की बात हुई तो ICC की बाकी डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में,
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेयरमैन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? कौन है चेयरमैन? शशांक मनोहर। और इसके सीईओ भी इंपॉर्टेंट है, वो है डेविड रिचर्डसन, आईसीसी के सीईओ है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 13वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन करेगा? खुद नरेंद्र मोदी ही इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है? जो कि जापान जाएंगे और शिंजो आबे से मिलेंगे, और शिंजो आबे से उनके साथ 12वीं मीटिंग है उनकी, ठीक है? कौन सी मीटिंग है? 12वें नंबर की, ठीक है? यहाँ पे जापान की बात हुई तो जापान की बाकी डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा है येन, और वहाँ के जो पीएम है वह है शिंजो आबे। और जापान की संसद भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है संसद का नाम? संसद का नाम है डाइट, ठीक है? मैं पहले बता चुका हूँ, ये नया है, क्या है जापान की संसद का नाम? क्या है? डाइट, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बात करें जीएचआई की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन बना है? कौन है जीएचआई की शीर्ष स्थान पर रिपोर्ट में? वो है बेलारूस, ठीक है? और भारत को स्थान कौन सा है इसमें? भारत का 103वां स्थान है। बात करें जीएचआई, जीएचआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है? बेलारूस की बात हुई है तो बेलारूस की बाकी चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि वहां की कैपिटल है मिंस्क, वहां की मुद्रा है बेलारूसी रूबल, और वहां के राष्ट्रपति का है नाम है एस रूमस, वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक? आगे चलते हैं। दीपा मलिक ने एशिया पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? उसने जीता है कांस्य पदक जीता है, ठीक है? तो ये थे 14 तारीख करंट अफेयर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? और चैनल के बाकी वीडियो को भी चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए भी अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।